पर एक राजकुमार रहता था। अब राजकुमार शादी के लायक हो चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसके लिए कहीं राजकुमारी नहीं मिल रही थी। अपनी राजकुमारी को खोजने के लिए उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। पड़ोसी साम्राज्यों की भी सभी राजकुमारियों ने राजकुमार से मिलने के लिए राजमहल का दौरा किया, लेकिन राजकुमार को सही राजकुमारी चुनने का प्रयास करने में मुश्किल हो रही थी। उसके पिता राजा चाहते थे कि उनके बेटे को असली राजकुमारी मिल जाए। इतने साल प्रयास करने के बाद उसने सही राजकुमारी को पाने की पूरी आशा खो दी। दुखद, निराशाजनक और गहरे विचारों के राजकुमार ने अपना जीवन जीना जारी रखा। राजा और रानी वास्तव में उसकी स्थिति से बहुत दुखी थे। एक और दुखी रात जब वो वहाँ सोचते बैठे थे, एक बड़ा सा तूफान शुरू हुआ। जोरदार बारिश शुरू हो गई, बिजली गरज रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज महल में गूंजने लगी। राजकुमार सोने की कोशिश करने में कठिनाई महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी खिड़की से कड़कती बिजली देख रहा था और दूसरी ओर अपने भविष्य की राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। महल में सभी आवाजों के शोर में एक नौकर ने महसूस किया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बारिश में भीगी हुई एक लड़की कप कपाती हुई खड़ी थी। पूरे राज्य में गरीब युवा लड़कियों में वो अभी भी बहुत सुंदर और नाजुक लग रही थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसने बात की, क्या आप मुझे कृपया अंदर आने देंगे? मैं अकेली हूँ और जंगल में खो गई हूँ। नौकर को उसकी दया आई और उसने तुरंत राजा रानी को खबर दी। हम इस समय किसी आगंतुक को अंदर आने से मना नहीं कर सकते, उसे अंदर ले आओ। राजा ने तुरंत गार्ड को इस बारे में सूचना दी और उसे आदेश दिए। गार्ड ने लड़की को अंदर बुलाया और दर्शनीय कमरे में चिमनी के सामने बिठा दिया। लड़की के भीगे कपड़े देखकर रानी ने नौकर को आदेश दिया कि वे लड़की के लिए उचित कपड़े ले आए। रानी ने लड़की से अकेले में पूछा, ऐसे मौसम में रात के समय क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या तलाश कर रही थी? मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूँ। मेरे महल पर दुश्मनों ने हमला किया। मुझे बचाने के लिए माता पिता ने मुझे 2 सैनिकों के साथ भेज दिया। मध्य रात्रि के बाद तूफान के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए और मैं यहाँ आ गई। आपका महल देखा, मुझे अंदर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रानी को विश्वास करना मुश्किल हो गया, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे महल से बाहर भेजना। राजकुमार ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये रहस्यमय लड़की कौन है। वो उससे मिलना चाहता था। उस समय लड़की ने रानी के दिए हुए कपड़े पहने थे। उसके बाल पूरी तरह सूख गए थे और अब उसे जरा अच्छा लग रहा था। अब वो अधिक सुंदर और मोहक लग रही थी। जैसे ही राजकुमार ने कमरे में प्रवेश किया, वो उसके सौंदर्य और शालीनता पर विश्वास न कर सका। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया। रानी ने कहा कि वो स्थिति को संभाल लेगी और पता लगाएगी कि ये सच में राजकुमारी है या नहीं। क्या वो असल में राजकुमारी है? हम आज रात पता लगाएंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने देर रात तक बातें की। राजकुमार को उत्सुकता थी और वो उसे अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। रानी ने मेहमानों का कमरा राजकुमारी के लिए तैयार किया और उसके बिस्तर के नीचे एक मटर रखा और उसे 7 गद्दों से ढक दिया। वो लड़की उस रात उस अजीब बिस्तर पर सोई जो उसके लिए तैयार किया था। दूसरी सुबह रानी ने उस लड़की के उठने का इंतजार किया और जब वो जागी तब उसे पूछा, कल रात अच्छी नींद आई? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे आश्रय दिया।
लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अच्छा, सच में? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरे शरीर में दर्द है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात मैं किसी सख्त चीज पर सोई थी। रानी को इसी जवाब का इंतजार था। उसे पता था कि केवल एक राजकुमारी ही गद्दे की सात परतों में ढके बिस्तर के अंदर ऐसी असुविधा महसूस कर सकती है। वो राजकुमार के पास गई और जो कुछ हुआ उसे बताया। ये सब सुनकर और आखिरकार ये जानकर कि वो एक असली राजकुमारी है, राजकुमार अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। राजकुमार ने राजा से कहा कि वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है और राजा ने उसकी इच्छा मान ली। राजकुमार ने कहा कि जब तक उनके राज्य में युद्ध खत्म ना हो वो कुछ दिन महल में रह सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके देश को बचाने में मदद के लिए अपनी सेना भी भेज दी और जल्द ही राजकुमार ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी राजकुमारी? और जैसे ही उसे अपना जवाब मिला वे खुशी से रहने लगे। उस रात राजकुमार ने मटर को एक कांच की डिबिया में रखा और सुनिश्चित किया कि इसे महल के सबसे अच्छे कोने में रखा जाए। कई सालों तक जिनका प्यार पर विश्वास था ऐसे लोग इस मटर को देखने आते थे। राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी कई सालों से बताई जा रही है।